दिल्ली में 18 अगस्त को मैन हंट इंडिया 2019 का ऑडिशन हुआ। ब्लूमफेयर प्रोडक्शन द्वारा प्रेजेंट किया गया ये शो मैन हंट इंडिया 2019 के ऑडिशन में देश भर के अलग अलग राज्य यूपी, जयपुर, पंजाब, हरियाणा से आए कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं। और मैन हंट इंडिया 2019 का फर्स्ट राउंड ऑडिशन दिल्ली में हुआ, जिसमें नॉर्थ जोन से आए कंटेस्टेंट्स ने शिरकत की और अपना टैलेंट दिखाया। इसके बाद भी इस टैलेंट हंट के अलग अलग जोन के ऑडिशन होंगे और नवंबर के फर्स्ट वीक में एनडी वर्ल्ड फिल्म स्टूडियो में ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इस मौके पर बिग बॉस फेम एजाज खान, मैन हंट इंडिया की डायरेक्टर रितु सूद और मैन हंट इंडिया के नेशनल हेड अहमद कबीर सदान मौजूद रहे और शो को जज किया। और साथ ही एजाज ने इस टैलेंट हंट को जज करने के सवाल पर क्या जवाब दिया, सुनिए। From all over the India के एक ऐसी टैलेंट की हम खोज कर रहे हैं कि जो सब एक्टिंग एंटरटेनर सब हो ना, ऐसा इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि तू मॉडल ढूंढ रहे हो। तो दिस इज आई एम हियर टू, मुझे अपने आप को भी देख के, मैंने पहला रियलिटी शो किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, जूम पे आता था, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, जिससे मुझे रामगोपाल वर्मा ने फर्स्ट ब्रेक दिया था। तो इन सब में मुझे अपने आप को देखता हूँ मैं, जब ये बच्चे इस तरह, मैं भी जाता था और लाइन में लग के फिर ऑडिशन देता था। मैं तो ये सबको आई जस्ट विश देम ऑल द लक, दैट हिम्मत मत हारना कभी भी, ट्राई योर लक एंड ऑल द बेस्ट। वही मैन हंट इंडिया 2019 के नेशनल हेड मिस्टर अहमद कबीर ने बताया कि किस तरह से आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। मैन हंट जो है एक फ्रेंचाइजी है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी, ये अराउंड 40 कंट्रीज में हो रहा है। हर कंट्री में इसका ऑडिशन होता है, फिर फिनाले होता है और उसका जो विनर होता है, कोई एक विनर, वो इंडिया को या फिर उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड फिनाले में। हर कंट्री के फिनाले के बाद एक वर्ल्ड फिनाले होता है, जैसे कि लास्ट ईयर गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन के विनर रहे थे, स्पेन के थे। तो लास्ट ईयर जो दुबई में हमने किया था, मेरे पास यूएई की भी, ब्लूमफेयर के पास यूएई की भी फ्रेंचाइजी है, वहाँ भी हम लोग करते हैं। तो वहाँ का जो विनर था उसने यूएई को, दुबई को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड फिनाले में। तो सेम इस साल यहाँ पे जो मैनहन इंडिया का विनर होगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड फिनाले में, और प्लस उसको ब्रेक मिलेगा बॉलीवुड। तो इसका ऑडिशन आप कहाँ कर रहे हैं हिंदुस्तान में? शुरुआत हमने दिल्ली से की है, इसके बाद हम हैदराबाद में करेंगे, फिर उसके बाद बेंगलोर में करेंगे, पुणे में करेंगे, मुंबई में करेंगे, फिर इसका ग्रैंड फिनाले नवंबर में है, जो एनडी फिल्म वर्ल्ड मुंबई में होने वाला है। दिल्ली की सबसे खास बात तुम्हें क्या लगती है? दिल्ली का सबसे खास बात उसका खाना है सर। खाना? यस सर। तुम तो काफी फिट लग रहे हो सर। फिट है सर, खाते भी, एक्सरसाइज भी करते हैं। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, टैलेंट राउंड में तुम्हारा एक ऐसा टैलेंट दिखाओ जो जो हम सबको लगे कि आप वाकई में काफी टैलेंटेड हो। ऐसा क्या टैलेंट तुम्हारे अंदर है जो तुम दिखाना चाहते हो? सर, आपकी, आपके भाईजान सलमान खान का डायलॉग मैं करना चाहूंगा, उनकी दबंग फर्स्ट मूवी का। वेरी गुड। उन्होंने उसमें बोला था छेद सिंह को, हे छेद सिंह, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बात कहां से मारे। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। सेकंड, क्या ऐसा टैलेंट है तेरे अंदर? सर, वैसे तो टैलेंट तो बहुत है, लेकिन मैं गा भी सकता हूँ, और क्या बोलते हैं, जो भंगड़ा अपना पंजाबियों का, वो तो फेमस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो फिर गा के भंगड़ा करके दिखा दे। ठीक है सर। क्या ऐसा टैलेंट है तुम्हारे अंदर हर्ष, दिखाओ प्लीज। सर, एक्चुअली मैं डांस भी करता हूँ और एक्चुअली मैंने बॉक्सिंग भी की है, तो बॉक्सिंग में काफी इंटरेस्ट था मेरा। नहीं यार, मारो मत किसी को, डांस करके दिखाओ यार। क्या टैलेंट है इमरान तुम्हारे अंदर? सर, मैं डांस करना चाहूंगा। इसके अलावा मैन हंट इंडिया 2019 के ऑडिशन राउंड को जज कर रहे जजेस ने क्या कुछ कहा इस टैलेंट हंट के बारे में, आइए जानते हैं। जाहिर सी बात है, अभी जो भी कैंडिडेट आए हैं उनको ज़्यादा, उनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो तराशे नहीं गए हैं,
उनको ये सिखाया जाएगा कि आपको वॉक कैसे करनी है, ड्रेस कैसे पहननी है और बात कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काजल विवाधवा, आई एम मिस इंडिया यूनिवर्सल। सो दिस इज़ ऑल वी वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑफ द इंटायर कंट्री। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, मैन हंट अगर इसका नाम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर मेल जो हैं उनको देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म को अपना कर अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाएँ, सक्सेसफुल बने और बहुत कुछ सीखें, जिससे कि ना सिर्फ वो हमारे भारत का नाम रोशन कर सकें बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी वो सक्सेसफुल हो। ये जस्ट एक मैन हंट का ऑडिशन था और बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी सी जगह से बच्चे आए हैं, उन्होंने अपना अपना टैलेंट दिखाया है सबको, और मुझे हर एक बच्चे के अंदर, हर एक बॉय के अंदर एक सेलिब्रिटी दिखा, मुझे हर एक के अंदर एक विनर दिखा, और मुझे लगता है नो डाउट यहाँ पे हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर था, और डेफिनेटली आप देखिएगा ये आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगे और एक अच्छा नाम रोशन करेंगे। हाँ, मैं उनको बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट, अगर आप बहुत अच्छा विन करते हैं, अपने टैलेंट्स दिखाते हैं और 100% आप देते हैं, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, और जैसा इजाज़ जी ने कहा कि हम उनमें से ही चुनेंगे एक ना एक सेलिब्रिटी, तो वो ज़रूर होगा। हाँ डेफिनेटली, जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को सॉन्ग आता है, किसी को बॉक्सिंग आती है, किसी को कराटे आती है, जो भी जिसके अंदर टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाएगा डेफिनेटली, और वो डेफिनेटली विन करेंगे। आपको बता दें, मैन हंट इंडिया मैन हंट इंटरनेशनल की सहायक कंपनी है, जिसके चलते मैन हंट इंडिया के विनर को इस साल फिलीपींस में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, जहां वो 40 देशों के कंटेस्टेंट के साथ कम्पीट करेंगे। तो इस तरह से मैन हंट इंडिया 2019 अपने विनर को एक खास मौका देने जा रहा है। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।